लद्दाख 2023 की सीरीज के अब तक के वीडियोस में आपने देखा कि मैं और मम्मी अपनी मारुति रिट्ज से ड्राइव करते हुए पहुंचे अपने घर छत्तीसगढ़ से लद्दाख, और अपने टूर के 21वें दिन हम पहुंचे वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमरिंगला पास पे। आज हम बढ़ाएंगे अपने सफर को यहां से आगे। इस ट्रिप के सारे वीडियोस ऊपर दी गई लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये सुबह हाले में निकल आई है धूप, कड़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं तैयार होके नहा धो के खड़ी हूँ। तो ये है हमारे कमरे का हाल। ये डेली जमाना एक टास्क होता है, लेकिन उसके पहले आज हमारा नाश्ता लग गया है। नाश्ते के लिए भी फाइट हो जाती है, एक बाइकर ग्रुप भी रुका हुआ है, फिर वो लोग साथ में आ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए बिना घास फूस का है आज हम पहले नाश्ता करेंगे। चलो मॉम। अभी ये धूप आ गया है ना, इधर बैठो। हाँ, जहाँ धूप आया वहाँ बैठो आराम से। बैठो ना धूप में। मैं बैठ जाऊँगा ना, आप तो बैठो पहले। तो सर क्या क्या है नाश्ते में? नाश्ते में अंडा है, परोठा, सादा परोठा है। अच्छा। वह जाम, बटर, ब्रेड भी कम मिलता है ना इधर। हाँ हाँ हाँ। इसलिए आज ब्रेड नहीं मिला। मम्मी ऐसी करती हैं, हर जगह अपना खुद का तड़का कुछ जरूर लगाती हैं। यहाँ पे पराठे तो मिल रहे हैं, लेकिन मम्मी मस्त अपना टमाटर काट के खा रही है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब है। यहाँ पे है पराठा, और ये है अमूल का बटर, और ये है टमाटर। खैर टमाटर और ये तो हम लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन अमूल का बटर नया है। दूर दराज के इलाकों में ब्रेड नहीं मिलती तो पराठे से ही बटर दे देते हैं। रात को हमारी गाड़ी में ये पानी की बोतल रखी हुई थी, बर्फ जम गया मम्मी देखो। अपन भी जम जाते लेकिन कल अपने पास हीटर था। मम्मी तो बढ़िया निकल गई हैं नाश्ता करके, धूप में चहलकदमी कर रही हैं। मैंने अभी तक नहाया नहीं है, नहाना है। बढ़िया गर्म गर्म पानी निकालते हैं इससे। आप बढ़िया चहलकदमी करो मम्मी, मैं नहा के आया। तो हानले को हम बोल रहे हैं गुड बाय, और मम्मी हमारी सवारी किस तरफ बढ़ रही है? लेह की तरफ। लेह पहुंच के मुझे कभी अपने घर की याद आती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि लेह मेरा अपना ही घर है। लद्दाख और लद्दाख के लोग बिल्कुल अपने घर जैसे लोग हैं, बहुत स्वीट, बहुत प्यारे, एकदम अपने जैसे लगते हैं। हर बार मैं सोचता हूँ कि बस अब ये साल लास्ट है, अगले साल कहीं और जाऊँगा, लद्दाख नहीं आऊँगा, लेकिन पता नहीं क्यों हम यहाँ दौड़े दौड़े चले ही आते हैं हर साल। हानले से जैसे ही निकलते हैं रास्ते में ही आपको ये मॉनेस्ट्री दिखती है। लद्दाख में जितनी भी मॉनेस्ट्रीज हैं, खास करके जो बहुत पुरानी हैं, उनकी ये खासियत है कि ऐसे बिल्कुल पहाड़ों की चोटी पर उनको बनाया जाता है। बुद्धिज्म में पहाड़ों को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए सारी मॉनेस्ट्री मतलब भगवान सब पहाड़ों के ऊपर ही बसाते हैं। हानले से जो हाईवे निकलता है वो भी चलाने में बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है, लेकिन इस तरीके के बम्स इसमें अचानक से आ जाते हैं। जैसे गाड़ी नीचे जाती है मुझे लगता है फिसल पट्टी पे फिसल रहे। सो रंगदुम ने उड़ते उड़ते घंटे भर में हमें लोमा ब्रिज तक पहुँचा दिया है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद दो रोड्स आती हैं। एक रोड जो राइट जाती है वो जाती है पैंगोंग लेक, और जो रोड सीधी निकल जाती है वो हमें ले जाएगी ले। लद्दाख के इन पहाड़ों के बीच अगर हमें ऐसा समोसा मिल जाए, और साथ में क्या मिल जाए? जलेबी। क्या बात है, क्या बात है। मम्मी के चेहरे की स्माइल तो देखो, ऐसा खुश हो रही। और तुम्हारी नहीं क्या? गर्म भी है। एक्चुअली आर्मी का है, कोई लोकल आर्मी समोसा नहीं बना रहा है। आर्मी के जिस भी स्टाफ ने ये बनाया है वो अपने साइड के ही है, तभी स्वाद अपने जैसा है। तो ये हम आ गए हैं न्योमा से ले जाने वाले हाईवे पे। हानले से लोमा तो सकरी सड़क है, लेकिन उसके बाद ऐसी शानदार रोड बनी हुई है। किसी को अगर यहाँ आके सिर्फ ड्राइविंग का मजा लेना है तो ये रोड बेस्ट है। बहुत सारे बाइकर्स ऐसा करते हैं, ले में लैंड होते हैं, बाइक रेंट पे लेते हैं और फिर इस रोड पे ड्राइविंग का मजा लेने आते हैं। पिछले दो दिन से हम लोग मोबाइल इंटरनेट की दुनिया से दूर हैं। हानले में सिर्फ BSNL काम करता है, मेरे पास भी BSNL का सिम था लेकिन मैंने उसे पोस्टपेड नहीं कराया था। तो आगे जाके देखते हैं कि हमारे जियो सिम में नेटवर्क कब आता है। एक क्वेश्चन, ये मोबाइल की दुनिया से दो दिन तुम दूर रहे, तुमको कैसा महसूस हुआ? एकदम सुकून लगा, ऐसा लगा कि पूरे दुनिया का जो भार है वो अपने कंधों से हट गया है। आ गया नेटवर्क आ गया। मम्मी तो बस जैसे ही नेटवर्क आता है ना, अब मम्मी एक घंटे ऐसे ही करती रहेंगी। मेरे को बोलती है कि तू
भी ज्यादा मोबाइल घुसा रहा हूँ, कम नहीं है। मैं तो जब कार में बैठती हूँ तो ही मोबाइल में घुसी रहती हूँ, दिन में रात में इधर उधर कहीं नहीं घुसी रहती। तुम तो हमेशा ही घुसे रहते हो, अभी कार चलाते में तुम्हें जलन होती क्योंकि तुम कार चलाना तो नहीं देख पाते। तो बहुत दिनों बाद ऐसी कोई जगह मिली है जहाँ हाईवे के किनारे हम थोड़ी चहलकदमी कर पा रहे हैं। रंगदूम के ऊपर एकदम धूल मिट्टी पूरी लगी हुई है, कल रंगदूम का पूरा मेकओवर होगा, आज ले पहुँचेंगे, फिर कल का पूरा दिन रंगदूम के नाम जाके इसका ऑयल वॉयल चेंज कराना है, बेसिक सर्विसिंग करानी है, बढ़िया धुलवाना है और एकदम नई होने के बाद ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्यों माँ? मैं तो अपनी ऑयलिंग करा रही हूँ, निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने। तो चले चलो, और कितनी जगह रुकना है ये अपने को नहीं पता है। मैं मम्मी को हमेशा बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें मत वीडियो पे बोला करो, पता नहीं इनको बड़ा शौक है, बोलती है सबको पसंद आता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सब आपको पसंद आता है कि नहीं। तो आप सामने साइड में देख रहे हैं धूप एकदम नदी के ऊपर पड़ रही है, तो इसका जो कलर है एकदम ब्लू ही दिख रहा है। ब्लू है या कौन सा कलर दिख रहा है ये मम्मी? ब्लू कह लो चाहे ग्रीन कह लो, लेकिन ये बताओ कि इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है इंडस रिवर। आर्मी के ट्रक्स का एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय हमें क्रॉस कर रहा है, इस रोड को काफी चौड़ा कर दिया गया है, इसलिए हमें गाड़ी खड़ी करके साइड देने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो आगे लिखा हुआ है बोर्ड 674 ठीक से 70 और ले मेरा घर 87। अरे वाह, कितना बज गया? अभी बज रहा है 2:10। एकदम फ्लैट रोड है ना, अपन बहुत दिन से धीरे धीरे दस के खा के ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो ये रंगदूम खड़ी हुई है खरू में, पीछे है ये स्पेशल पंजाबी ढाबा खरू, यहाँ पे मैं और मम्मी हमेशा रुकते हैं, तो इस बार भी रुके हैं कुछ स्पेशल चीज खाने के लिए। तो ये आ गई मेरी और मम्मी की फेवरेट कड़ी, यहाँ पे हम जब भी आते हैं तो इस पंजाबी ढाबे पे कड़ी जरूर खाते हैं। तंदूर की गरम रोटी और गरम गरम कड़ी, क्या स्वाद है। हिंदुस्तान में अगर असली खाने का स्वाद चखना है तो पंजाबी ढाबा पे चले जाना चाहिए। इसकी कड़ी और तंदूरी रोटी, हाय 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 हाय, क्या गजब का स्वाद था। मैंने तो खाने के बाद, कड़ी खाने के बाद पानी भी नहीं पिया, मैं चाह रही हूँ कि बहुत देर तक स्वाद मेरे मुंह में बना रहे। तो सामने लगा है बोर्ड जिसपे लिखा है लेह 3 किलोमीटर, कारगिल 219, श्रीनगर 421 किलोमीटर। तो मम्मी आगे अपन को कारगिल और श्रीनगर भी जाना है, लेकिन लेह में एंट्री करो तो क्या सीन दिखता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल पिक्चरों में जैसा सीन दिखाते हैं ना उसको देख रहे हैं अपन। तो ये आ गया हमारा प्यारा गेस्ट हाउस कुशु गेस्ट हाउस। तो अब हम एक दिन, अगले एक दो दिन तक यहाँ पे जी भर के आराम करने वाले हैं। कल शाम को जब हम लोग ले पहुँचे तो आई थिंक ऐसा पहला दिन था जब मैंने रात को कोई व्लॉग ही नहीं बनाया। मैं और मम्मी दोनों ऐसा बेहोश होके सोए, पूरा 12 घंटे आराम से सो के अब उठे हैं। बहुत सारी ठंडी जगहों में जाके जब ले में आए तो ले में उतना ठंडा नहीं लग रहा था, लग रहा है कि अच्छा टेम्परेचर है, मस्त सोए रात को। पेंगोंग, हानले, चुशुल ऐसी जगह पर रुक के जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यहाँ ठीक लग रहा है। जबकि आज ऐसा पहला दिन है, सवेरे के 9 बज रहे हैं, अभी तक सूर्य देवता बादलों कुछ बादल हैं इसलिए बाहर नहीं आ पाए हैं, और उधर बहुत दूर वो जो पहाड़ देख रहे हैं उनकी चोटियों पे बर्फ़ जमी है। कभी कभी ऐसा होता है कि रात को ही बर्फबारी हो जाती है आसपास और यहाँ एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है, लेकिन यहाँ की ठंड मैनेजेबल लग रही है। मम्मी एप्पल खाओगी? एप्पल इनके गार्डन में ऐसे बढ़िया एप्पल लगे रहते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ओनर से परमिशन लीजिए, पे करिए और खाइए। होता क्या है कि यहाँ लगे रहते हैं तो मैंने ही देखा कि लोग तोड़ के अपने खा लेते हैं, ऐसे नहीं करना दूसरे के एप्पल ने। कभी कभी कुछ सब्सक्राइबर्स हमारे वीडियो देख के यहाँ आते हैं और हमारी नाक कटा के चले आते हैं, बोलते हैं अनुपम ने कहा था कि आप एप्पल दोगे, ये दोगे, वो दोगे। ये इनके
गाय बैल का बाड़ा है। अभी तो मेरे ख्याल से सिर्फ बच्चियाँ हैं यहाँ पे, बाकी सब चरने गए हैं। नहीं तो यहाँ पे आई थिंक काफ़ी सारा दूध निकलता है, काफ़ी सारे आर्मी के लोग और आसपास के लोग यहीं से आके दूध लेके जाते हैं। तो यहाँ पे दूध बन जाता है, सामने ये गेहूँ उगाते हैं, उधर सब्जियाँ लगाते हैं, उधर एप्पल लगाते हैं, उधर है गेस्ट हाउस और ये है इनका घर। सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है पूरा यहाँ पे, इनका सोलर सिस्टम लगा हुआ है। खैर पानी की तो डायरेक्ट लाइन है गर्म पानी की। और ये है वॉशिंग मशीन। जिस दिन हो गए हैं कपड़े पूरे धूल धूल हो गए हैं, तो आज इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये सर्विस भी पेड है। अभी ये घर बन जाएगा, फिर इधर क्या बनेगा? इधर यहाँ पे थोड़ा छोटा सा गार्डन बनाने की सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो कब तक बन जाएगा ये घर पूरा? ये तो अगले साल हम अंदर का फिनिशिंग करेंगे स्टार्ट। अभी तो खत्म हो गया ना सीजन? अभी सीजन खत्म हो गया, ठंड बढ़ गई है इसलिए अभी इस साल तो काम नहीं होगा। मेरे पहले के व्लॉग्स में आपने अंकल आंटी को देखा होगा, ये उनके बेटे हैं जिगमित। अगर आपको भी यहाँ पे बुकिंग करानी है तो इनका नंबर मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे कॉल करके बुक कर सकते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें शायद एडवांस बुकिंग करा ले तो ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई में यहाँ पे जनरली बहुत मुश्किल से रूम मिलता है, तो उसके लिए तब अगर आप आएँ तो एडवांस बुकिंग करा लें। बाकी सितंबर में तो सीधा आ सकते हैं। तो अभी कब तक खुला रहेगा ये? अभी यही 15 तारीख तक खुला रहेगा, उसके बाद बंद कर देंगे। अच्छा, फिर ठंड बढ़ जाएगा। फिर सीजन में कब स्टार्ट होता है? फिर अप्रैल 15 से हम स्टार्ट करते हैं। 15 अप्रैल? हाँ जी। तो सरप्राइज सरप्राइज, रंगदुम को एकदम धुलवा के अपने गेस्ट हाउस लाया था और लेह में आज बर्फबारी चालू हो गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पर बर्फ गिर रही है। पहली बार आई थिंक बर्फबारी मेरे को और मम्मी को देखने को मिली है। पूरे दिन धूप नहीं निकली, गजब का ठंडा है आज लेह में। चलते हैं रूम में, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी क्या कर रही हो? आराम किया और वेदर को एंजॉय कर रही हूँ, पर आइस गिर रही है, ठंडा बहुत है। देख उधर के पहाड़ तो गायब ही हो गए, मतलब इतनी आइस गिर रही है, इधर के थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। ये वाले पेड़ के पीछे पहाड़ हैं, यहाँ पहाड़ दिखते हैं। अभी बीच में बादल ऐसे छा गए हैं कि वो पहाड़ दिखना बंद हो गए हैं। नहीं उनपे आइस गिर गई होगी, उनपे आइस नहीं, नहीं 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 वो धुंध की वजह से नहीं दिख रहा, आइस होता तो व्हाइट व्हाइट दिखता। ये आपके लिए आपका घास फूस आ गया, टमाटर केला और नींबू। तो रंगदुम मम्मी और मैं हम तीनों तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, एकदम फ्रेश हो गए हैं, रिजुविनेट हो गए हैं ले आके। अब शुरू करेंगे आगे का सफर। तब तक के लिए मम्मी क्या करना है? हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।